हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है टाइम एंड वर्क के ऊपर। दोस्तों, ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, राम एलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। राम है जो अकेला 40 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई राम एंड बिन्नू टू द सेम वर्क इज 5:3। और जो समय राम और बिन्नू के द्वारा लिया गया है उसका रेशियो दिया गया है 5:3। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कम्प्लीट द वर्क टुगेदर। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है वो क्या है, इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो कार्य क्षमता होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। और टाइम है जो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी जो पहले काम करेगा उसका जो हमारा जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो क्या लेगा, कम समय में काम कर को पूरा करेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो ज़्यादा समय में काम को पूरा करेगा। तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को मेनली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राम है जो 40 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, राम 40 दिन में काम को पूरा करता है 40 डेज में। और फिर दिया हुआ है राम और बिन्नू है उसका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी टाइम का दिया हुआ दोस्तों, टाइम का, ठीक है। टाइम का कितना दिया हुआ है राम और बिन्नू का, तो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है, यानी उल्टा कहने का अर्थ क्या है, यानी टाइम का उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और थ्री को उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3:5 आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3:5, ठीक है। उल्टा कहने का अर्थ क्या है, 5 का उल्टा 1/5, 3 का उल्टा कितना, 1/3 हो गया। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सही फॉर्मेट में लिया है तो कितना हो गया, 3:5, ठीक है दोस्तों। यानी इफिशियंसी कितना होगा, 3:5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क, यानी टोटल कितना काम है हमारा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हमको निकालते हैं डेज और इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डेज राम को कितना लगता है, 40 दिन, और कार्य क्षमता कितना है, 3 है, यानी कार्य क्षमता कहने का क्या है कि एक दिन में 3 काम करा है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, तो 40 × 3 यानी 120 काम करेगा। यानी टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 120 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें निकालना है इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कम्प्लीट द वर्क टुगेदर। अब हमें डेज निकालना है, टाइम डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है हमारा, 120 है, बटा में इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है हमारा, इफिशियंसी दोनों का 5 और 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 5 को जोड़ दिए, 120 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। यानी अब हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15, यानी हमारा जो डेज है, टाइम है, वो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ए टेक्स 20% मोर टाइम देन डी बेट देन बी, यानी ए है जो 20% अधिक समय लेता है किससे, बी से, एंड दे बोथ कंप्लीट द वर्क इन 82/11 डेज, ठीक है। फाइंड इन हाउ मच टाइम ए कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क, यानी कितने समय में ए है जो आधा काम करेगा, ठीक है। ए टेक्स 20% मोर टाइम देन बी, यानी ए और बी का रेशियो 20% मोर टाइम देन बी, तो समय टाइम कितना परसेंट, 20% मोर टाइम देन बी, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, यानी बी 5 ले रहा है तो ए कितना ले रहा है दोस्तों, 6 ले रहा है, समझ गए आप। ये क्या है, टाइम है, और मैंने बताया आपको कि टाइम और इफिशियंसी क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, तो 1/6:1/5, फिर कॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और दोनों हम मिल के 82/11 डेज लेते हैं, यानी ए और बी दोनों मिल के कितना लेते हैं टाइम, तो 82/11 डेज लेते हैं। हमें टोटल वर्क निकालना है दोस्तों, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलता है डेज इनटू इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा,
टोटल वर्क कितना हो जाएगा डेज इंक्रिप्शन से, डेज कितना है दोनों का 82 बाई 11 इंटू इफिशेंसी, दोनों ए और बी का इफिशेंसी कितना है हमारा, तो 5 प्लस 6 यानी इफिशेंसी कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यानी टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया 82 हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब है फाइंड इन हाउ मच टाइम ए कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क, अब ए कितने समय में आधा काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 82 है लेकिन ए को कितना करना है आधा काम करना है, यानी ए का हमें समय निकालना है और काम कितना करना है आधा करना है। 82 का आधा कितना होता है हमारा, 82 का आधा 41 होता है, यानी 41 काम करना है, बटा में टाइम कैसे निकलता है वर्क बटा इफिशेंसी, टाइम हो गया 40, वर्क हो गया 41 और इफिशेंसी कितना है ए का, तो ए का इफिशेंसी 5 है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 41/5 डेज। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो हमारे शुरू में मिल चुका है हमारा ऑप्शन नंबर ए 41/5 डेज। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए अकेला किसी काम को 20 में करता है, बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए, बी है जो 25% अधिक कुशल है किससे ए से, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज, ए और बी है जो काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं, देन सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क जॉब इन 22 डेज, और फिर सी अकेला 22 दिन में जो अधूरा काम है उसे पूरा करता है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर जॉब, तो पूछ रहा है कि सी अकेला इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए है जो 20 दिन में पूरा काम करता है 20 डेज में, बी इज 20% मोर इफिशेंट देन ए, यानी बी और ए का क्या दिया हुआ है इफिशेंसी का रेशियो दिया हुआ है, बी है जो 25% अधिक कुशल है किससे ए के द्वारा, 25% कितना होता है हमारा 1/4 होता है, यानी ए कितना है 4 है इफिशेंसी है, तो बी का कितना है अधिक, एक अधिक है यानी 5 हो गया ठीक है। अब फिर दिया हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज, अब ए और बी है जो काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन तक काम करता है, कितना दिन तक काम करता है दोस्तों 4 दिन तक काम करता है ठीक है, तो ए और बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज 4 दिन काम करता है, फिर क्या लिखा हुआ है देन सी अलोन कंप्लीटेड द इंटायर वर्क इन 22 डेज प्लस सी है जो 22 दिन काम करता है, बराबर क्या हो जाएगा अब टोटल वर्क के बराबर होगा, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं तो डेज इंटू इफिशेंसी, तो ए का दिन दिया हुआ है 20 डेज और ए का इफिशेंसी कितना है 4 है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 × 4 यानी 80 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 80 लिख दीजिए। देखिए ए और बी 4 दिन काम करते हैं और सी 22 दिन रिमेनिंग वर्क को करता है, तो बराबर कितना हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर हो गया, यानी यही तो काम कर रहा है 80 वर्क जो काम है वही तो कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा ए और बी का इफिशेंसी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 और 4 एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे 36 काम, यहाँ 36 हो जाएगा प्लस में सी इंटू 22 हो गया बराबर कितना हो गया 80 हो गया, तो 22 सी बराबर कितना हो जाएगा 80 − 36 तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 22 सी बराबर कितना हो गया 44 हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 44/22 यानी 2 हो गया, यानी सी का इफिशेंसी कितना आ गया दोस्तों सी का इफिशेंसी 2 आ गया, जो सी है उसका कार्यक्षमता कितना आ गया 2 आ गया 2 इफिशेंसी। अब सी का क्या टाइम निकालना है, तो सी का निकालना है टाइम, टाइम कैसे निकलता है टोटल वर्क बटा इफिशेंसी, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा टोटल वर्क 80 है तो 80/इफिशेंसी कितना है 2 है, तो 80/2 कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 40 डेज हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों सी कितना टाइम ले रहा है अकेला करेगा तो 40 दिन में, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, यानी 40 आदमी किसी काम को 48 में कर पाता है, इफ 64 मैन स्टार्टेड वर्किंग यानी 64 आदमी काम को स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर एक्स डेज 32 मोर मैन ज्वाइन द वर्क, और 64 आदमी काम करते हैं एक दिन तक, उसके बाद क्या होता है 32 आदमी और काम पे आ जाते हैं, इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16.66 डेज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अधूरा काम को 16.66 डेज में काम पूरा हो रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के हमें वैल्यू पता करना है दोस्तों। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होगा,
नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, यानी 40 मैन और 48 दिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 40 × 48 टोटल वर्क हो गया बराबर में। अब 64 मैन है तो एक दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए 64 मैन कितना दिन तक काम करते हैं, एक दिन तक काम करते हैं प्लस में। अब कितना अधिक आदमी होंगे, 32 आदमी अधिक होगा, तो 64 + 32 कितना हो जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। और जो 96 आदमी है वो कितना दिन तक काम करते हैं, तो 16.66 डेज तक काम करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं 16.66 डेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं 50/ कितना लिख सकते हैं, 16 होल 2/3 लिख सकते हैं, यानी 50/3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 16.66 को कितना लिख सकते हैं, 50/3, तो यहाँ 50/3 लिख दिए। अब 3 लिख दिए तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, कितना था हमारा 96 है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 × 9 = 32 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब 40 × 48 किए तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 × 32, 2 × 3 = 16, 16 × 3 = 19, यानी 1920 आ गया बराबर में। 64 हो गया प्लस में 32 × 50 करना है। ठीक है, तो कीजिए कितना होगा, 160 होगा ना, 5 × 10 यानी 1600 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 64x बराबर कितना हो जाएगा, 1920 में 1600 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 320 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 620/64 5 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। ठीक है, और सॉल्यूशन इस प्रकार है, क्या करना है, नंबर ऑफ मैन और डेज को मल्टीप्लाई करना है, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 40 × 48 किए टोटल वर्क आ गया, और फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते गए तो हमारा एक्स के वैल्यू आ गया। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, 18 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 80 × 16 हो जाएगा बराबर में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज 6 वुमेन लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो 18 आदमी हैं जो एक दिन तक काम करते हैं। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क यानी 18 आदमी थे, एक दिन तक काम किए, उसके बाद कहता है 6 वुमेन लेफ्ट द वर्क। अब क्या होता है, 6 आदमी काम को छोड़ के चले गए, 6 औरत, तब औरत कितना बची, 12 औरत बची जो है, जो 12 दिन तक काम की, 12 × 12 हो गया। तो आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, एक्स के वैल्यू आ जाएगा, तो 18 × 16 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 1440 आ जाएगा। 16 का कितना होता है, 144 होता है, तो 1440 हो गया इक्वल टू में 18x प्लस में ये कितना हो गया हमारा, 144 हो गया। तो अब हम लोग घटाएंगे एक 1440 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, घटा के देखते हैं, 144 ये हमारा 6 हो गया, ये 13 हो गया तो 9 हो गया हमारा, और ये 2 हो गया यानी 1296 आ गया, कितना आ गया हमारा, 1296 इतना आ गया दोस्तों। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा, 1296 आ गया। अब 18 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा। ठीक है, 18 कितना है, 18 है, तो 16 × 18 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हम लिख दिए थे गलती से, कितना है दोस्तों, 18 है। ठीक है, तो 16 × 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 288 आएगा ना, 288 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो 288 में 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ये सब गलत है। ठीक है, 18 औरत है, 16 दिन तक काम, 18 औरत है और 16 दिन काम करता है, तो 18 × 16 हो गया यानी 288 आ गया हमारा। ठीक है, तो और 18x प्लस में 144, तो 288 में से 144 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 144 आएगा। तो 144 बराबर कितना हो गया, 18x हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो हम लोग जानते हैं 18 × 8 कितना होता है हमारा, 18 × 8 यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया ना, 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 हमारा आंसर होगा। यहाँ 8 लिख दीजिए, 8। ठीक है, तो 8 दिन कितना है, 8 दिन 18 औरत काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, 6 औरत जो काम छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम लोग 80 लिख दिए थे गलती से, ठीक है,
तो 18 औरत है, 16 दिन काम करते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 288 हो गया। फिर 18 औरत है जो एक दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक दिन के बाद 6 औरत काम छोड़कर चल जाता है, तो औरत कितना संख्या होगा 12 हो गया, तो 12 × 12 ठीक है 144 हो गया, तो माइनस कर दिए 144 बराबर कितना हो गया 18x, x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग काफ़ी इजी वे से बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 18 डेज। ए है जो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी उसी काम को 18 दिन में करता है। दे बिगिन टुगेदर बट 2 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ, यानी वे लोग दोनों ए और बी एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क यानी काम के समाप्ति के 2 दिन पहले ए लीव्स ऑफ ए काम को छोड़ देता है। द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कम्प्लीट द वर्क इज, यानी काम हमारा कितना दिन में समाप्त होगा इसका हमें निकालना है दोस्तों। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट आधारित है। देखिए 2 डेज बिफोर यानी कौन छोड़ रहा है, तो ए है जो 2 डेज बिफोर 2 दिन पहले काम समाप्ति के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, ए 12 दिन बी 18 दिन, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 36 हो गया। उसके बाद इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी कितना हो गया हमारा 36/12 यानी 3 हो गया, और 36/18 कितना हो गया 2 हो गया, यानी ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी 2। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल वर्क 36 लीजिए, 2 डेज बिफोर तो किसके बारे में बोला, ए के बारे में, तो बिफोर रहेगा तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा टोटल वर्क है ए के द्वारा 2 दिन में उसको ऐड करना होगा, यानी बिफोर मीन्स प्लस और किसके बारे में बोल रहा है ए के बारे में, तो ए कितने दिन तक, कितने दिन में, तो 2 दिन यानी 2 दिन पहले काम छोड़ता है, तो आपको और 2 दिन का काम ऐड करना होगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा, तो 36/6 में इफिशियंसी तो 3+2 कितना होगा 5 होगा, तो कितना आ गया हमारा 42/5 यानी 42/5 टोटल हमारा टाइम डेज होगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो एक बार और समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। देखिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट है, यदि दोस्तों आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ जाकर देख लें। ठीक है, तो बिफोर है तो बिफोर मीन्स क्या होता है प्लस। ठीक है, अगर आफ्टर रहता तो हम लोग माइनस करते, बिफोर है तो प्लस कर दिए, किसके बारे में बोल रहा है ए के बारे में, कितना दिन पहले 2 दिन पहले, तो 2 दिन का हम लोग काम ऐड किए, और बिफोर है तो उसका इफिशियंसी हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे, यानी ए और बी दोनों का इफिशियंसी ले लिए तो 3 और 2 5 हो गया, तो कितना हमारा आंसर आ गया 42/5। यही आफ्टर रहता तो आफ्टर में क्या करते हम लोग माइनस कर देते टोटल वर्क में से, और जिसके साथ आफ्टर रहता है उसका हम लोग डिनोमिनेटर में इफिशियंसी नहीं लेते हैं, यानी ए के साथ अगर आफ्टर रहता तो हम लोग केवल बी का लेते हैं, लेकिन ए के साथ क्या लगा हुआ बिफोर लगा हुआ है इसलिए ए और बी दोनों का लिए हैं। ठीक है, तो 42/5 दिन हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, अंकुर एंड प्रीति कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, यानी अंकुर और प्रीति है जो मिलकर 5 दिन में किसी काम को करते हैं, विच प्रीति एंड रोहित टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, उसी काम को प्रीति और रोहित मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त करते हैं आफ्टर अंकुर हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 4 डेज। अब दोस्तों कंडीशन दिया हुआ है कि अंकुर है जो 4 दिन काम करे एंड प्रीति फॉर 5 डेज, और प्रीति उसी काम को 5 दिन काम करे, फिर रोहित देन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज, उसके बाद रोहित काम करे 4 दिन ले काम को समाप्त करने में, इन हाउ मेनी डेज कैन प्रीति डू द वर्क अलोन, तो प्रीति है जो कितने काम अकेला कितने दिन में काम को कर पाएगी इसी उसी काम को। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अंकुर और प्रीति कितना दिन ले रहे हैं, तो 5 दिन ले रहे हैं काम करने में, प्रीति और रोहित कितना दिन ले रहे हैं, तो ले रहे हैं 15 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 15 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, 5 और 15 कैल्शियम 15 हो गया। उसके बाद इफिशियंसी तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 हो गया। ठीक है, अंकुर प्लस प्रीति कितना हो गया 3 इफिशियंसी, और प्रीति प्लस रोहित कितना हो गया 1 हो गया।
अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से लिखते हैं। अंकुर है जो 4 दिन काम करता है, और प्रीति है जो 5 दिन काम करती है, और रोहित है जो कितना दिन काम करता है, रोहित 4 दिन, रोहित भी 4 दिन काम करता है, ठीक है। अब टोटल कितना काम है हमारा, 15 = 15 हो गया, अंकुर 4, प्रीति 5, रोहित 4, टोटल काम 15 है। तो दोस्तों हम लोग इस हिसाब से A+B और P+R के फॉर्मेट में हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए A अगर 4 कॉमन ले लिए A और P में, तो कितना बचा हमारा, A+P बचा, और यहाँ 5P है तो 4P हो गया, तो कितना बचा P, 1P बचा, और यहाँ R कितना है, R 4 है, तो R को भी हम लोग 1 के फॉर्मेट लेंगे तो कितना बच गया, R 3 बच गया। देखिए हम लोग कैसे किए, 4 कॉमन ले लिए तो A और P में 4 कॉमन लिए तो P कितना बचा, 1 बचा, फिर R में कितना कॉमन लिए, 1 ले लिए तो R कितना बचा, 3 बचा, तो हम लोग P+R और A+P के फॉर्मेट में लिया, R कितना बचा, 3 बचा, और बराबर कितना होगा हमारा, 15 के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए A+P कितना था, 3 उसका कार्य क्षमता है, तो कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, प्लस में P+R कितना है, 1 काम, 1 हो गया, प्लस में 3R बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, तो 12+1 कितना हो गया, 13 + 3R बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, 3R बराबर कितना हो गया हमारा, 2 हो जाएगा, 15 - 13, और R बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है हाउ मेनी प्रीति, तो प्रीति का क्या निकालना है, टाइम निकालना है, प्रीति अकेला इसी काम को 15 वर्क है, इसी काम को कितना दिन में करेगी, तो हमें प्रीति का क्या निकालना पड़ेगा, प्रीति का निकालना पड़ेगा हमें इफिशियंसी, तो R बराबर कितना हो गया, 2/3 हो गया, तो R बराबर 2/3 हो गया, तो यहाँ P और R मिलके एक इफिशियंसी, कितना इफिशियंसी, 1 है, और R कितना है हमारा, R 2/3 है, तो P कितना हो जाएगा हमारा, तो P हमारा हो जाएगा 1/3, यानी P का इफिशियंसी कितना है, 1/3 है। अब P का हमें क्या निकालना है, P का टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है हमारा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है, 15/ इफिशियंसी, यानी 1/3 हो गया, तो 15 × 3 45 डेज हो जाएगा, यानी 45 दिन में हमारा जो प्रीति है वो टोटल काम को कर पाएगी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D। तो देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और हमारा सॉल्यूशन ये रहा। दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे, तो धन्यवाद देखने के लिए।